Hi everyone, welcome to my math channel. So my dear friends, in this video you will get complete idea of random variables as well as probability distributions. ठीक है, so board exam में यहीं से 4 marks का questions आता है, इसीलिए जितना questions discuss किया, जितना concept discuss किया, सबको one by one देखो और questions को एक बार अच्छा से practice करो. यही questions को कर लोगे तो board exam में आपको common questions मिल जाएगा, इसीलिए mind खराब नहीं करना. clear videos में जितना questions है, सारे questions को अच्छा से clear देखो, समझो और practice कर लो, बस नथिंग एल्स, और आपको कुछ नहीं करना. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फोर्थकमिंग बोर्ड एग्जाम. नाउ यू विल लर्न अबाउट रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल क्या है ना, रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू ए रियल नंबर. ठीक है, तो ये अभी फंक्शंस क्या होता है ना, फंक्शंस दो नॉन एम्प्टी सेट का बीच में एक रूल होता है. क्लियर, सो दैट रूल यहीं पे क्या है ना, सपोज इफ यू टॉस्ट ए कॉइन टू टाइम्स. ठीक है, तो यार यू विल काउंट ओनली हेड. सो हियर द सैंपल स्पेस इज दिस, काउंट ओनली हेड. देखो दो हेड है इसीलिए टू लिखा, ये दोनों केस में वन हेड है इसीलिए वन लिखा, एंड इफ नो हेड इसीलिए जीरो लिखा है. ठीक है, यही पे हमें चाहिए. सो दैट मीन्स रेंज ऑफ एक्स इज व्हाट, जीरो वन एंड टू है. क्लियर, सो दैट मीन्स क्या, इफ यू टॉस्ट कॉइंस थ्री टाइम्स तो रेंज ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो वन टू थ्री. If you toss the coins one times, so the range of x is 0, 1. This is very important. Clear about random variable. Questions में तुम्हें दिया जाएगा, they find out the probability distributions of this. ठीक है, उस time ये random variable का use है. Now probability distributions. Probability distributions क्या है ना, are tabular representations of a random variable with their corresponding probabilities is called probability distribution. Suppose if you toss a coin two times, the possible sample space is this. Possible outcome is this head, 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 tail, tail, head and tail, tail. तो range of x जो random variable है, random variable क्या था ना, random variable is a function from sample space to a real number. ठीक है, क्लियर, यहीं पे क्या है रेंज ऑफ एक्स, सो दैट मीन्स का रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है, जीरो वन टू. क्लियर, जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा, जीरो का मतलब क्या है, क्लियर, टॉसिंग अ कॉइन टू टाइम्स वी विल काउंट ओनली हेड. ठीक है, क्लियर, देखो यहीं पे कोई भी क्लियर हेड नहीं है, सो तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन बाई फोर है. क्लियर, एंड सो दिस इज एक्स, जब वन है हेड टेल एंड टेल हेड, यहीं पे देखो हेड वन है, सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, टू बाई फोर है. एंड इस पे क्या है, दो हेड है, सो दिस इज वन, वन बाई फोर है. सो दिस इज जीरो वन टू, एंड सो दिस इज वन बाई फोर, टू बाई फोर एज वेल एज वन बाई फोर है. क्लियर, सो माई डियर फ्रेंड्स, आर टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटीज इज कॉल्ड प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. वन मोर थिंग, मीन ऑफ ए प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन ऑफ ए प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, ए फॉर्मूला ऑफ ए प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. मीन का मतलब है क्लियर, सो इज जस्ट सिंपली यू विल राइट क्लियर समेशंस पी आई एक्स आई. ठीक है, क्लियर, सो दिस इज आई इज इक्वल टू वन से ए. यही पे क्या है, देखो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, सपोज इसका मीन फाइंड करना होता, दिस इज एक्स आई, दिस इज पी आई. क्लियर, सपोज इसका मीन फाइंड करना होता, ये दोनों का प्रोडक्ट दैट इज जीरो, ये दोनों का प्रोडक्ट है टू बाई फोर, ये दोनों का प्रोडक्ट टू बाई फोर, टू बाई फोर प्लस टू बाई फोर सो दैट इज फोर बाई फोर, सो दैट इज वन, सो दैट इज मीन क्या है ना, सो दैट इज वन है. ये दो फॉर्मूला को आपको याद रखना है, वेरियंस ऑफ ए पीडी. वेरियंस क्या है ना, वेरियंस के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है. क्लियर, सो दिस इज समीशंस ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, बस नथिंग एल्स. ठीक है, क्लियर, समीशंस आई इज इक्वल टू वन से एन, सो दिस इज पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पर गिवन होगा. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का लिए ये जिस्ट है, ये आपको याद रखना है. Clear? Mean of a probability distribution and variance of a probability distributions. Now, two cards are drawn successively with replacement from a pack of 52 cards. Find the probability distributions of the number of aces. क्लियर, एस कितना होता है, चार होता है, नॉन एस कितना है, 48 है. क्लियर, अब यहीं पे टू कार्ड्स ड्रॉ किया, इसलिए रेंज ऑफ एक्स इज 0 1 2 है. सपोज थ्री कार्ड्स ड्रॉ करता, रेंज ऑफ एक्स 0 1 2 3 लाइक दिस. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0, एक भी एस नहीं मिला, 48 बाई 52, 48 बाई 52, सो दिस प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 1. सो दैट मीन्स क्या, एक बार एस मिला,
4/52 × 48/52, और ऐसा भी हो सकता है पहले एस नहीं मिला था 48/52 × 4/52, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो लाइक दिस प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 का मतलब है दोनों बार एस मिल रहा है 4/52 × 4/52, सो दिस। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर? ए रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2 जब इसका वैल्यू है विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। डबलेट क्या होता है ना, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। ठीक है, यहीं पे 3 बार थ्रो किया, इसलिए रेंज ऑफ एक्स इज 0, 1, 2, 3। ठीक है, डबलेट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 6/36। जो डबलेट नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 − 1/6, सो दैट इज 5/6। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0, क्लियर? एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, सो दैट मीन्स एक बार भी डबलेट नहीं मिला, 5/6, 5/6, 5/6, सो दैट इज इक्वल टू दिस। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 1, एक बार मिला है, 1/6 × 5/6 × 5/6, इसका डिफरेंट अरेंजमेंट क्या होगा, क्लियर? इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 2, दो बार मिला है, डबलेट मिला है, 1/6, 1/6 × 5/6, इसका परमुटेशन कर दो, इसीलिए 3 है, क्लियर? सो एंड प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, 1/6, 1/6, 1/6। ठीक है, ये जो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज है ना, ये 1 होगा, जब 1 नहीं होगा तो आप समझ लेना आपका कैलकुलेशंस में कुछ मिस्टेक है, क्लियर? देखो यहीं पे 125 + 75 = 200 एंड दिस इज 15 + 1 = 16, 216/216, सो दैट इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसे समझने का कोशिश करो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस तो बोर्ड एग्जाम में करना पड़ता है। लॉट ऑफ 30 बल्ब्स व्हिच इंक्लूड्स 6 डिफेक्टिव्स, अ सैंपल ऑफ 4 इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, यहीं पे क्या है, 6 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 30, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, 6/30, 1/5 है, जो नॉन डिफेक्टिव है, सो 1 − 1/5, सो दैट इज हिज 4/5 है। रेंज ऑफ एक्स क्या है, यहीं पे क्या है, देखो 4, सैंपल ऑफ 4, इसीलिए लिखा है 0, 1, 2, 3, 4 है। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, इसीलिए 4/4/5, 4/5, 4, सो लाइक दिस। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 1, एक डिफेक्टिव मिला है और सारे सही है, और यहीं पर लिख दिया 4C1। ठीक है, क्लियर? की कोने इसका डिफरेंट अरेंजमेंट करने क्यों लिखोगे, इतना बार बार क्यों लिखना है, यहाँ पर 4C1 लिख दो, दैट इज इज 4, सो लाइक दिस। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 2, 1/5, 1/5 × 4/5, 4/5, यहीं पर लिखो 4C2 का मतलब क्या है, 4 × 3/2, सो दैट इज इज 6 है। ठीक है, एंड सो लाइक दिस। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 3, 1/5, 1/5, 1/5 × 4/5, यहीं पर लिखो 4C3, 4C3 मीन्स क्या, 4 है। ठीक, एंड प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 4, सो लाइक दिस। अभी आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस लिखना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या है, अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अंडरस्टूड? ऑफ ए नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। ठीक है, क्लियर? सो रेंज ऑफ एक्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3, क्लियर? ये तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0, क्लियर? एक बार भी हेड नहीं मिला तो 10 मिला है, तो 1/2, 1/2, 1/2, सो दिस इज 1/8। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 1, एक बार हेड मिला है और दो बार 10 मिला है, लेकिन हेड क्लियर, हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2, 1/2, 1/2, क्लियर? ऐसे 3 केसेस है। ठीक है, क्लियर? सो दैट मीन्स क्या, देखो एक बार हेड मिला है ना, ठीक है, एक बार हेड यहीं पे जैसा, क्लियर? एक बार हेड, सो 3 केसेस है, इसलिए दिस। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 2, दो बार, क्लियर? दो बार हेड मिला है, एक बार 10 मिला है, दो बार हेड और एक बार 10, सो दैट इज 3 केसेस, 3/8। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 3, एक, क्लियर? सो दैट मीन्स क्या, तीनों बार ही हेड मिला है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/8, सो दिस। ठीक है, सो दिस इज 1/8 है। हमें फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस, इसीलिए ये टेबल भी आपको ड्रॉ लिखना है। एक्स आई पी आई, पी आई एक्स आई, एक्स आई का स्क्वायर, पी आई एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई मीन्स क्या, 0, 1, 2, 3। ठीक है, पी आई क्या है, ये जो प्रॉफिट 1/8, 3/8, सो लाइक दिस। ये दोनों को प्रोडक्ट करो, 0, ये दोनों का प्रोडक्ट 3/8, ये दोनों का प्रोडक्ट 6/8, ये दोनों का प्रोडक्ट 3/8, ये सब ऐड कर लो, दिस इज 3/2 है। ठीक है, एंड एक्स आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1।
नाउ सो दिस इज एक्स आई का स्क्वायर मींस क्या, ए सो देखो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, पी आई एक्स आई का स्क्वायर मींस क्या, ए दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया। अब ये सब का ऐड कर लो और ये सब को भी ऐड कर लो, ठीक है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो मीन एंड वेरियंस फाइंड करना है। तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से एन पी आई एक्स आई, क्लियर। देखो ये पी आई एक्स आई का समेशन, सो दैट इज 3/2। वेरियंस क्या है ना, पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। पी आई एक्स आई का स्क्वायर मीन्स क्या, 3 है। मीन क्या है, 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, 3/4 है। बस यही है, क्लियर, मीन एंड वेरियंस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल से शुरू करके ये सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो। कोई भी क्वेश्चंस आए, मुझे जो लगता है यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम।